हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मेकअप एंड ब्यूटी गर्ली। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है बिल्कुल ही इजी वे से। इसमें मैंने फाउंडेशन भी यूज़ नहीं किया है और ना ही कंसीलर यूज़ किया है। अब आप यही सोच रहे हो कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है ना, तो ज़्यादा सोचिए मत, मैं आपको सीधा दिखा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है अपने फेस पे लगाया है। तो गर्मियों के लिए ये एलोवेरा जेल जो होता है बहुत ही बढ़िया है, जो हमें हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जॉय स्किन फ्रूट ली है और इस मॉइस्चराइज़र लिया है, तो उससे मैंने अपने पूरे फेस पर लगा लिया है और अच्छे से उसे ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन लिया है, तो सनस्क्रीन फिर से मैंने जॉय का ही लिया है और उसे मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं और स्किन को टैन हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए। उसके बाद मैंने गार्नियर की जो है स्किन लाइटिंग क्रीम ली है और उसे अपने फेस पे लगा दिया है। तो इसमें भी SPF होता है, तो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड फॉर स्किन। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, तो मैंने सीधा जो है पाउडर या लगा रही हूँ फेस पाउडर। तो फेस पाउडर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनसाइड का फेस पाउडर है, जो के कवरेज जो है उसकी अच्छी है। उसके बाद मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, तो कंटूरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट। तो मैं बहुत हल्के हाथों से कंटूरिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कर रही हूँ, तो हल्की हल्की करी हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्लश, तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ एसेंस का ब्लश। तो एसेंस का ब्लश जो है वो मेरा फेवरेट ब्लश है, तो उसे अप्लाई कर रही हूँ अपनी चीक्स पे। तो थोड़ा सा नोज़ पे लगाऊंगी और थोड़ा सा चिन पे, नेचुरल सी लुक देने के लिए। तो कॉन्टोरिंग मैं नोज़ कॉन्टोरिंग भूल गई थी, तो उसको मैंने बाद में किया है। तो अगेन मैं यहाँ पे मोआ की पैलेट यूज़ करी हूँ, तो उसमें से मैंने गोल्डन कलर लिया है, तो उसे अपने चीक्स बोन पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा नोज़ पे और थोड़ा सा चिन पे और देन फोरहेड पे। ओके गाइस, तो आईज़ का मेकअप मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रखने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने न्यूट्रल पैलेट चूज़ की है। इसलिए मैंने यहाँ पे LA कलर की ट्रेडिशनल पैलेट ली है, तो उसमें से एक थोड़ा सा ब्राउन सा कलर है उसे मैंने लिया है और क्रीज़ पे बिल्ड कर लिया है। उसके बाद मैं अपने फिंगर पे ले रही हूँ एक पीच सा कलर है, जो बहुत ही प्यारा है, डे टाइम के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो उसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपने पूरी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। तो दोनों आईलिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम कलर। तो आपको ये पैलेट डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही न्यूट्रल कलर हैं और सॉफ्ट लुक के लिए, मतलब अगर आप डे टाइम कोई लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं कोई आईलाइनर नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक आई शेडो लिया है पर्पल सा कलर में, तो उसे मैं एज अ आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। तो उससे मैंने सॉफ्ट सा विंग्ड निकाला है, तो सेम जो कलर है वो मैं वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। तो इस पैलेट में ये मेरा एक फेवरेट कलर है, जो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही बढ़िया सा लुक दे देता है हमारी आईज़ को। तो दोनों साइड पे मैंने इस कलर को जो है लगा लिया है, जहाँ पे मैं कोई काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई भी जो है मैंने आईलाइनर यूज़ नहीं किया है। तो बहुत ही सॉफ्ट सी लुक मैंने ये क्रिएट की है, क्योंकि ये डे टाइम लुक है तो सॉफ्ट ही होनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर ली है अपनी आईज़, तो मैं सेम जो है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आते हैं आईब्रोज़, तो आईब्रोज़ जो है मैंने डार्क ब्राउन कलर से फिल किए हैं, तो इसके लिए मैंने मिस क्लेयर की पैलेट ही यूज़ की है। तो उसमें से डार्क ब्राउन चॉकलेटी ब्राउन कलर है, तो उसे मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। नेक्स्ट बारी आती है मस्कारा की, तो मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का मस्कारा। ये जो वाला है वो वाटरप्रूफ है, तो गर्मियों के लिए बेस्ट है, तो मैंने उससे अपने दो कोट लगाए हैं अपनी आईज़ पे, लैशेस पे।
तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक है, तो आप चाहो तो रेड भी रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे एक न्यूड कलर है उसे मैंने रेड कलर पे अप्लाई कर लिया है, तो उसके कारण इसका कलर जो था वो बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर बन गया था। अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस हेयर स्टाइल का वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। ये जो हेयर स्टाइल है वो गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत ही ईजी है और पार्टीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। तो अगर आपको हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो, अगर आपको मेकअप अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।